सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को डिस्कस करने के बाद अब हम इसके नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स अब रेट्स के डिस्कशन के लिए हम एक डायग्राम को यूज़ करते हैं जहाँ पे हम ये डिटामिन करेंगे कि किस तरीके से किसी एक करेंसी की वैल्यू किसी दूसरी करेंसी में कैसे मैयर की जा सकती है तो so, बेसिकली जो एक्सचेंज रेट है दैट इज़ नंबर ऑफ़ डॉलर्स नीडिड टू परचेज़ वन यूरो। अब यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट मड्यूल में जो यू एस एंड पाकिस्तान करेंसी रुपी की बात की थी इसको अब हम दो इंटरनेशनल करेंसीज की फॉर्म में लेके जा रहे हैं देट केस हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास ये कितनी डॉलर्स की वैल्यू आप या कितने डॉलर्स होंगे तो आप एक यूरो खरीद सकेंगे अब इस केस के अंदर आप जस्ट लाइक like ये देख लें कि जो योरो है इट विल बी लाइक अ कॉमोडिटी एंड डॉलर जो है वो आपकी करेंसी बन जाएगी फॉर टाइम बीइंग वी आर ज्यूमिंग दैट जो आपके पास डॉलर है ये होम कंट्री की करेंसी है या वो करेंसी है जिसको हम एज अ बेस बनाएंगे टू बाय uh, जो है वो आपके पास यूरो अब इस केस के अंदर एक एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि आपके पास हम लोग वर्टिकल uh, एक्सेस के ऊपर एक्सचेंज रेट जो इस स्लाइड एंड आफ्टर दैट आर से जिसको शो करेंगे हम एक्सचेंज रेट और यहाँ पे आपके पास हॉरिजेंटल एक्सेस के अंदर योरों की डिमांड है पर डे इन यू एस अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इट्स जस्ट लाइक ए क्वांटिटी एंड इट इज़ प्राइस प्राइस ऑफ योरो तो ये सिंपली एक कॉमोडिटी की तरह यहाँ पे आप इसको ट्रीट करेंगे जैसे आप सिंपली लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ते थे माइक्रो इकनॉमिक्स के अंदर यहाँ पे सिर्फ ये बात है कि अब हम इंटरनेशनल माइक्रो इकनॉमिक्स की डिस्कशन कर रहे हैं अब इस पॉइंट के अंदर एक चीज़ हम लोगों ने यह भी ज्यूम कर लिया कि अब हम फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम अलाउ करते हैं कि आपके पास जो वैल्यू है या कॉमोडिटी की प्राइसेस जो इस केस के अंदर यूरो को हम कंसिडर कर रहे हैं ऊपर या नीचे एक लेबरम लेवल से हो सकती है यहां पे हम ये ज्यूम करते हैं कि ये आपकी डिमांड है यूरो की और ये सप्लाई है फ्रॉम यूरोप एस यूरो से इसको शो किया है डी मींस डिमांड फॉर यूरो और ये डिमांड आपको पता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है हमेशा एक कमोडिटी की तरह यहाँ पे भी डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी That मीन्स जैसे जैसे आपके पास यूरो की प्राइस कम होगी आपके पास इन टर्म्स ऑफ डॉलर उसकी डिमांड बढ़ेगी या वो पहले से ज़्यादा ख़रीदा जाएगा पोज तो यहाँ पे वन पे टू हंड्रेड है तो हाफ पे ये थ्री फिफ्टी पे जाके पहुँच जाएगी सेम लाइक अगर एक प्रोड्यूसर की तरह जो आप माइक्रो इकनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं इवन ट्रेड के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है तो इसकी जो सप्लाई है यूरो की दैट वुड बी अपवर्ड स्लोपिंग और इस केस के अंदर एक लेबम पॉइंट होगा ई पॉइंट जहाँ पे एक्सचेंज रेट आ रहा है वन दैट मीन्स वन डॉलर इज इक्वल टू वन यूरो और इन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम वी कैन सी दैट टू हंड्रेड मिलियन यूरो पर डे आपके डिमेंड हो रहे हैं एट एक्सचेंज रेट वन अब अगर सपोज़ किसी भी वजह से आपके पास जो यूरो की डिमांड बढ़ जाती है किसी भी रीज़न से फॉर एग्जांपल जो यूएसए के रेजिडेंट हैं वो ज़्यादा चीज़ें पसंद कर रहे हैं यूरोप की तो इन दैट केस आपके पास हम लोगों ने यहाँ पे ये ज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी इंटरनेशनल करेंसी नहीं है दोनों में से और सिंपली जो सिंपल कमोडिटी एज अ यूज़ हो रही हैं डॉलर भी और यूरो भी इन दैट केस अगर यू एस के रेजिडेंट ज़्यादा चीज़ें पसंद कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की तो उस केस के अंदर आपके पास यूरोपियन जो करेंसी है दैट इज़ यूरो, उसकी डिमांड बढ़ेगी डोमेस्टिकली यूएसए के अंदर अब इसके दो वेज़ होंगे इसको टैकल करने के अगर तो आपने एक्सचेंज रेट फिक्स रखा हुआ है तो वंस अगेन आपको लिमिट करना पड़ेगा उसकी डिमांड को आपको रिस्ट्रिक्शंस uh, लगानी पड़ेंगी इम्पोर्ट्स के ऊपर या किसी भी फॉर्म uh, के ऊपर कि आप कम से कम जो यूरो है उसकी डिमांड करें इन दैट केस आपके पास एक तो ये मेथड है ये थोड़ा सा टफ़ भी हो सकता है डिफरेंट uh, डायनामिक्स के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके ऊपर डिस्कशन होती रही कि आपके पास फ्री ट्रेड और मूवमेंट ऑफ कॉमोडिटीज फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन एंड वंस अगेन कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन और कोई भी डिफरेंट मयर्स लिए जाए अगर यूरो को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए तो वो कोई फ्रूटफुल नहीं साबित होंगे तो दूसरा मेथड क्या है कि या तो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करे जो उसने एज अ रिजर्व रखे हुए हैं यूरो मार्केट के अंदर भेजे जिससे ये होगा कि उसकी डिमांड को हम Uh, जो है वो कम कर सकते हैं सो इन दै केस यू एस डिमांड फॉर योर इज़ डाउनवर्ड एज रिडक्शन इन आर मेक्स इम्पोर्ट फ्राम एंड टू इन्वेस्ट इन यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन ई एम यू का नाम दे रहे हैं हम चीपर अब ये एक बेसिकली uh, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को डायग्राम से हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाता है सपोज एक्सचेंज रेट वन से कम हो ज़ीरो पॉइंट फाइव के ऊपर आ जाता है सो इन दैट केस आपके पास डिमेंड ज़्यादा है दूसरा एस्पेक्ट ये है कि यू जस्ट हैव टू तो गिव हाफ डॉलर टू तो गेट वन यूरो इस केस के अंदर जो इम्पोर्ट्स हैं वन से जो यहाँ से हैं यूरोप से, से इन यू एस से वो काफ़ी सस्ती हो जाएंगी क्योंकि सपोज़ अगर आप पहले वन डॉलर दे रहे थे अगेंस्ट वन यूरो तो अब आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा ज़ीरो पॉइंट फाइव डॉलर देने पड़ेंगे सपोज़ आप एक जैकेट मंगवाते थे उसकी जो प्राइस थी सपोज़ यू एस रेजिडेंट के लिए वो वन डॉलर थी अब वही जो कॉमोडिटी आपको हाफ डॉलर में आ गई है तो दैट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट है या जो सॉरी इम्पोर्ट्स हैं वो आपके पास सस्ती हो जाएंगी और अब बा बाहर से आप या सपोज इस केस के अंदर <coughs> यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन जिसको ई से हम रिप्रजेंट कर रहे हैं वहाँ से इम्पोर्ट्स ज़्यादा आएंगी और दूसरा इम्पेक्ट इसका ये होगा कि आपको यूरोप में इन्वेस्ट करना भी अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई है या आपके डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है तो जहाँ पे आपने वहाँ पे सपोज़ टू मिलियन डॉलर्स में फैक्ट्री लगानी थी अब क्योंकि uh, जो है वो uh, वहाँ की कॉमोडिटीज़ आपको सस्ती लग रही हैं क्योंकि आपकी जो डॉलर की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट जो आपको वन डॉलर के अगेंस्ट वन यूरो मिल रहा था अब ये यू जस्ट हैव टू पे हाफ डॉलर टू गेट वन यूरो तो आपको वहाँ पे चीज़ें ख़रीदना भी या वहाँ पे इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए बेहतर होगी इसी तरीके से आपके पास सप्लाई साइड भी जो है वो भी आपके एक्सचेंज रेट के ऊपर फर्क डाल सकती है लाइक like, यू एस सप्लाई फॉर यूरोज़ अपवर्ड इनक्लाइंड जैसे जैसे जो सप्लाई है यूरो की अगर आप देखें तो वो यू एस ए के अंदर आपको यू विल सी अपवर्ड स्लोपिंग तो जैसे जैसे इसकी स्पोज़ प्राइस बढ़ रही है यूरो की तो वहाँ पर आपके पास प्राइस भी बढ़ने के साथ साथ आपकी सप्लाई भी बढ़ रही है तो वहाँ पर एक्सचेंज रेट इस तरीके से भी मूव कर सकता है नेक्स्ट मोड्यूल uh, के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ड्यू टू एनी रीजन शिफ्ट आते हैं डिमांड कर्व के अंदर या सप्लाई कर्व के अंदर तो क्या इफेक्ट होंगे और अगर हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ही सिर्फ रखते हैं फिक्स को नहीं डिस्कस करते तो किस तरीके से आपके पास ट्रेड के पैटर्न्स हो सकते हैं